बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, नईम, साद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया हिस्सा बनने का ब्लू वर्ल्ड सिटी का। तकरीरें लोगों ने बहुत सारी कर ली, बहुत सारा ब्लू वर्ल्ड के बारे में कह दिया, मैं भी कह सकता हूं, कहूंगा भी, लेकिन मैं कुछ सवाल है जो आपसे करना चाहता हूं। आपने जवाब देना है हां या नहीं में, ठीक है? ऐसा ही है, बोलो हां या नहीं। हां जी, ऊंचा बोलो ना। वो एक ब्लू वर्ल्ड के डीलर होकर तगड़े नहीं हूं, ऊंचा बोलो हां या नहीं। हां, अच्छा, पर मुझे ये बताओ कि यार मेरी सारी जवानी आपके सामने गुजरी है, हां या नहीं। पहले मुझे ये बताओ, कभी अपने मुल्क के लिए जब तेज बॉलिंग की मैंने, कभी डरा या पीछे हटा? ऊंचा बताओ। कभी ये बताओ, इधर से आवाज नहीं आ रही, पर ये बताओ कि कभी मैंने पाकिस्तान के लिए कोई मैच फिक्स किया? कभी किया? ऊंचा बोलो नहीं या नहीं। अच्छा, अब जब मैंने कोई मैच नहीं फिक्स किया, कोई चीज ऐसी जो पाकिस्तान को बेच के को अपने पास रखी हो, कोई चीज है? नहीं। तो आपको ये लगता है कि मैं इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ऐसी चीज बेच के जाऊंगा जो आपको नहीं मिलेगी? मिलेगी, और जरूर देके जाऊंगा, और इसलिए देके जाऊंगा आपको कि इस प्रोजेक्ट में मैंने अपना नाम इसलिए जोड़ा है कि ये एक वाइड क्रेडिबल लैंड ऑन फील्ड। मैंने 10,000 सोसाइटियों में घूम चुका हूं, किसी के पास कोई जगह नहीं है। सब झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी हमारे पास इतनी जगह है। मैं कहता दिखाओ, 20 गज, 30 गज, 13 पाम ट्रीज, 20 पाम ट्रीज, 700 मीटर का रोड भी नहीं है, आके सोसाइटी खड़ी कर देते हैं। मुझे जब कहा गया कि आके सोसाइटी देखें, रोड वर्क देखें, काम देखें, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि मैं सिर्फ शुएब अख्तर इनक्लेव के लिए नहीं आया, पूरे ब्लू वर्ल्ड के लिए आया हूं। और जब तक ये हम डेवलप करके आपके सामने ना आपको दे दें, तब तक मैं भी यही खड़ा हूं, आप भी यही हैं, बहुत सारी दुनिया यही है। आपको लगता है कि मैं ऐसा बंदा हूं जो क्रेडिबल नहीं हूं, जो जान छुड़ाएगा और आप पैसे लेके चला जाएगा? आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं? आपको लगता है कि मैं उनको करने दूंगा? नहीं ना। तो फिर ये बात याद रख लो कि यहां पे जो चीज बनने जा रही है, ये गलत बात कर रहे हैं साद नजीर, 150 केस बना हुआ है, 150 पेंडिंग है इनके ऊपर भी, इतनी मुश्किलात हैं, 150 किया है, 150 और तैयार हैं। जब अल्लाह पाक हमसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है ब्लू वर्ल्ड के लिए, ये मैं इनको भी मशवरा देता हूँ, अनाउंस ना किया करो, जब भी अनाउंस करते हैं या तो बारिश हो जाती है, जब अनाउंस करते हैं हमारी की परमिशन कैंसिल हो जाती है, तो हमें नज़रें बहुत लगती हैं। अल्लाह खुश रखे जो नज़रें लगाने वाले हैं, उनको भी अल्लाह खुश रखे, लेकिन ये प्रोजेक्ट इज हेयर टू स्टे। ये प्रोजेक्ट बन के इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, जब आप स्पोर्ट्स वैली देखेंगे और जब आप ओवरसीज ब्लॉक देखेंगे, जब आप मेन बुलेवार्ड देखेंगे, आप ब्रॉडवे स्ट्रीट देखेंगे, अभी मैं हेलीकॉप्टर्स पे जाके उस तरफ और इस तरफ, मैं क्या जगह दिखाओ यार, कहाँ कहाँ ब्लू वर्ल्ड लिखा हुआ है, मुझे बताओ कि मशीनरी लगी कि नहीं लगी। नदीम मिजाज कहते हैं यार लगी है मशीनरी, मैं क्या दिखाएं जी भाई, अगर हेलीकॉप्टर में अगर मुझे 10 से 15 मिनट लग गए उधर जाते जाते, तो सोच लो कितनी जगह होगी। दूसरी बात, यहां पे तो आप ये बात भूल जाएं कि यहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, ये बात आप भूल जाएं। कुछ लोगों की बड़ी कोशिशें हैं यहां पे एनओसी ना मिले, कुछ लोगों की बड़ी कोशिशें हैं यहां पे कि यहां पे ये जगह ना बन सके, बड़ी कोशिशें हैं, मैं जानता हूं सबको, मैं भी पिंडी वाला हूं और मैं भी पिंडी वालों का खास हूं, आप घबराएं नहीं। सो तो इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम, मैं इधर ही खड़ा हूं स्पोर्ट्स वैली में, इधर खड़ा हूं, ये प्लॉट आपके हाथ में दे के जाऊंगा। और देखें, मेरे पास तो कोई चॉइस भी नहीं ना, मैं दुनिया में कहीं जाऊं छुप तो नहीं सकता ना,
कोई चॉइस है मेरे पास कहीं जाने की? नहीं है ना, तो क्या करूंगा? डिलीवर करूंगा, और डिलीवर हम करेंगे कागजों के साथ। आपको मैं आपको भी बता रहा हूं, ये किसी की खाम ख्याली है कि ये सोसाइटी लेजिटिमेट नहीं है, ये बहुत लोगों की खाम ख्याली है, ये खाम ख्याली उनकी खाम ख्याली ही रहेगी। ये लेजिटिमेट सोसाइटी है, लेजिट होके रहेगी, लेजिट दिखा के रहेंगे, बना के रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि आने वाले वक्तों में, अभी आप अगस्त आने वाला है, दुआ करें बारिश काम हो, हमारी डेवलपमेंट चलती रहे। अगस्त में इंशाल्लाह आप बड़ी खबर सुनेंगे स्पोर्ट्स वैली के हिसाब से, पूरी स्पोर्ट्स वैली के हिसाब से आप बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनेंगे, खबर भी सुनेंगे। इंशाल्लाह हम सारे यहाँ पे होंगे, और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स, मैंने सबसे बात की हुई है, वो आपके यहाँ दरमियान मौजूद होंगे यहाँ पे। और हमने कहा था घर बनाने का, हम घर बनाएंगे। अब किसी ने ब्रेटली का विला लेना है तो भाई आपस में लड़ लेना, आपस में अपना ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन ब्रेटली इंशाल्लाह यहाँ जरूर खड़ा होगा आपके साथ। और अगर हालात ठीक हुए इंडिया पाकिस्तान के, तो इंडियंस भी ले आऊँगा, नहीं तो आप घबराएं नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड कप हमें खेलना ही खेलना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्पिटिशन से कभी ना भागो। अभी एशिया कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, हाइब्रिड मॉडल आपका, हाइब्रिड मॉडल आपका काम कर रहा है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ यार, इंडिया अगर नहीं आता आपके घर खेलने के लिए, आप जरूर जाओ और उधर जाके फेंटी लगाओ उनकी, और वहां इंडिया को हरा के वापस आओ, जाओ जरूर, पीछे नहीं हटो। कल का मैं ये ना कहीं यार आप मुकाबले के लिए नहीं आए थे, और मेरा पूरा यकीन है इस दफा पाकिस्तान टीम जो व्हाइट बॉल क्रिकेट की बड़ी तगड़ी टीम है, इंशाल्लाह वो भी ब्लू वर्ल्ड का हिस्सा बनेगी, ये भी आपसे वादा करता हूँ। तो वो वर्ल्ड कप जीत के आए यार, और जीत के आए और इंडिया को इंडिया फेंटी लगा के आए, अहमदाबाद में मेरे ख्याल में फाइनल वगैरह है, वहां पे इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप पकड़ सकता है, थोड़ी सी अपने आप की कन्विक्शन रखे पकड़ सकता है। जहां तक ताल्लुक, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं भी आपको नाम बता नहीं सकता, आप नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग इसके साथ इस तरह जुड़ने वाले हैं ब्लू वर्ल्ड के साथ। तो देर ना करना, लेट ना हो जाना, इस खाम ख्याली में ना रह जाना। बाकी ये बुद्धू ख्वाब देख रहे हैं कि शायद ब्लू वर्ल्ड नहीं बनेगा, ये इनका ख्याल ही है, ये बन के रहेगा, ये आया इसीलिए बनने के लिए, और मैं भी इसीलिए आया हूँ कि बन के रहेगा।